guys, welcome to my channel. I'm Pallavi. I hope you all are doing well. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ this makeup look जो अभी आप मेरे face पे देख रहे हैं. This is very beautiful traditional wedding guest makeup look. So guys, अगर ये video आपको पसंद आता है, आपके लिए helpful होता है, तो please मेरे video को like करें, share करें. And guys, अगर आपको कोई कमी लगती है, तो please नीचे comment down करके जरूर बताएं, मैं उसपे work करूँगी. एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले. उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दे ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो. सो गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है, सो कीप ऑन वॉचिंग. सो गाइज, मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया है. देन मैं यहाँ यूज कर रही हूँ प्राइमर एंड दिस इज फ्रॉम लैकमे. गाइज, अगर आप भी मेकअप करते हैं, आपको भी मेकअप करना पसंद है, तो आप मेकअप के साथ साथ अपने स्किन का भी ध्यान रखें और स्किन को अच्छे से प्रेप करने के बाद मेकअप स्टार्ट करें. मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये फाउंडेशन. दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड इसी के साथ जो एप्लीकेटर आता है मैं उससे ही अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लूँगी और मैं इसे अच्छे से लगा लूँगी. एंड गाइज, मैंने यहाँ एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है जिससे मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ. अगर आप भी अगर ब्लेंड करते हैं तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट कर लें. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये कंसीलर एंड ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर है. इसे मैं अपने सारे यूजुअल एरिया पे अच्छे से लगा लूँगी, अंडर ऑफ द आईज एंड फोरहेड एंड अपने माउथ के अराउंड भी. एंड इसे मैं अच्छे से सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी. एंड लिटरली गाइज, इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ये मेबलिन का कॉम्पैक्ट एंड इसे मैं अपने जहाँ जहाँ कंसीलर या उसके अच्छे से लगा लूँगी ताकि कोई क्रीज लाइन ना हो. देन मैं यहाँ माल्याओ का आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने ये ब्राउन शेड लिया है अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए. मैं अपने चिक बोन्स एंड फोरहेड को एंड जॉ लाइन को अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी. देन मैं अपने फिंगर से अपने नोज़ को कॉन्टोर कर रही हूँ. सो या देन मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी. एंड गाइज, इस पैलेट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके साथ आपको चार कलर मिलते हैं जिसमें से एक या दो कलर ही आप अपने आईब्रो के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी कलर आप बहुत तरह से यूज़ कर सकते हो. एंड सेकंड चीज़, इसके साथ आपको एप्लीकेटर भी मिलता है जिससे आपको अलग से एप्लीकेटर लेने की ज़रूरत नहीं है. सो मैं सेम एप्लीकेटर से इसे अप्लाई करूँगी एंड इसके साथ जो स्पूली आता है मैं उसी से इसे ब्लेंड भी कर लूँगी. देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सेम कंसीलर अपने आईज़ के बेस के लिए ताकि जो मेरा कलर है वो बहुत ही इन्हेंस हो के आए और मेरा बेस जो है वो बहुत ही अच्छा हो. सो सेम मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट से ये पीची शेड लेके अपने क्रीज पे प्लेस करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड. देन मैं यहाँ ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एंड मैं उस पीची शेड के हल्का सा नीचे इसे प्लेस करते हुए ब्लेंड करूँगी. देन मैंने यहाँ लिया है ये ब्लैक शेड एंड मैंने अपने कॉर्नर पे एक टेप लगा लिया है. देन मैं ये ब्लैक शेड लगा रही हूँ एंड इसे मैं अपने सिर्फ आउटर कॉर्नर पे ही प्लेस करूँगी बहुत ही अच्छे से धीरे धीरे, क्योंकि गाइस ब्लैक शेड की जो पिगमेंटेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. तो अगर आप धीरे धीरे नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कलर प्लेस कर देंगे. सो या देन मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने हाफ ऑफ दी आईलिड पे. एंड मैं एक न्यू शेड लेके इसे सेट करूँगी. देन मैं यहाँ ग्लैम 21 पैलेट से ये लाइट सा पिंक शेड ले रही हूँ एंड जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ तक मैं इस शेड को अप्लाई करूँगी. मैंने अपने एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई किया है. देन मैं ये एस क्यू का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ
एंड लाइक गाइज आप देख सकते हैं टेप लगाने के बाद जो हमारा आउटर कॉर्नर के पास जो हमने ब्लैक कलर प्लेस किया था वो कितना अच्छा लग रहा है। देन मैं लोअर लैश लाइन पे सेम ब्राउन शेड प्लेस कर रही हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ब्लैक शेड ब्राउन शेड के ऊपर लगा रही हूँ एंड देन मैं यहाँ एन वाई बे का वाइट काजल लगा रही हूँ अपने लैस लाइन पे एंड मैं अपने लोअर इनर कॉर्नर पे सेम पिंक शेड लगा रही हूँ। मस्करा के लिए मैंने यहाँ लिया है मेबलिन का मस्करा मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली है एंड ब्लश के लिए मैं स्विस ब्यूटी के पैलेट से पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे। देन मैंने यहाँ पे ये ADS का फिक्सर लिया है मेकअप फिक्सर एंड उसे मैंने अच्छे से स्प्रे कर लिया है एंड डैम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे अच्छे से डैप कर लिया है। देन मैं स्प्रे करने के बाद यहाँ हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर है। मैंने स्प्रे के बाद हाइलाइटर इसलिए यूज़ किया है ताकि जो इसके जो फॉर्मूला है वो चंकी ना आए, बहुत ही शाइनिंग सा, बहुत ही अच्छा सा होकर आए। सो मैंने अपने सारे एरियाज़ पे, फोरहेड पे, अपने अपर ऑफ द लिप्स पे मैंने सारे जगह अपने अच्छे से लगा लिया है एंड यहाँ पे मैं अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे अपने ब्राबोन को भी हाईलाइट किया है लिपस्टिक के लिए। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एलिटिन की लिपस्टिक और मेरा शेड है P26। सो या गाइज दिस इज़ माई फाइनल लुक। सो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। आपका एक लाइक और कमेंट हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है, हमें आगे और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। सो प्लीज़ गाइज लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो या गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।